You say I make you nervous, a tragedy. I'm a beautiful disaster, a reckoning. You wonder how I got this way. You think I'm someone to be saved, someone to clean up and tame. Oh, some things never change, never change. You think I would look. हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ बहुत ही क्यूट सा मेकअप लुक शेयर कर रही हूँ, और ये बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल और हाई कवरेज के साथ है, क्योंकि मैंने इसमें यूज़ किया है ओलिविया पैनकेक पैन स्टिक। तो चलिए देख लेते हैं मैंने ये लुक कैसे किया, इंडियन पार्टी मेकअप लुक। और ये मेरी स्टाइल पुरानी है, मैं कभी वीडियो में यूज़ नहीं करती हूँ, बट आज सोचा चलो कर लेती हूँ। तो चलिए देखते हैं कैसे किया है मेकअप। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे अपने डार्क सर्किल को हाइड करूँगी। तो यहाँ पे मेरे पास है NYBA का रनवे फाउंडेशन प्लस कंसीलर स्टिक, जो भी आप इसे कह लें, और ये दोनों के लिए यूज़ होता है, कंसीलर के लिए भी फाउंडेशन के लिए भी। काफ़ी अच्छा है, पिगमेंटेशन बहुत अच्छी है, अफोर्डेबल भी है, और अच्छा कवरेज, मतलब मीडियम टू मीडियम कवरेज देता है, ये अच्छा है। उसके बाद मैंने कॉम्पैक्ट की हेल्प से सेट कर लिया, मोडा का कॉम्पैक्ट यूज़ किया था। देन मैं यहाँ पे सिवाना का आई शेडो पैलेट ले रही हूँ। इसका लिंक अगर मिलेगा तो मैं ज़रूर डाल दूँगी, बट अमेज़ॉन पे आपको इजीली मिल जाएगा। और गले के लिए बहुत माफ़ी चाहती हूँ, क्योंकि मुझे कोल्ड हो रखा है, काफ़ी दिन बाद भी मैं वीडियो शायद डाल रही हूँ मेकअप का। तो मैंने ऑरेंज शेड लेके अपने क्रीज लाइन पे अप्लाई कर लिया था, और अभी ब्राउन शेड लेके अपने सेंटर ऑफ द लिड पे अप्लाई करूँगी। बहुत ही ईजी आई मेकअप है यार, बहुत ही ज़्यादा ईजी है। तो पहले क्रीज लाइन पे ऑरेंज कलर का शेड लगाया, आपके पास कोई भी ऑरेंज कलर शेड हो आप लगा सकते हो। और सेंटर लिड पे मैंने ब्राउन लगा लिया, और उसके बाद इसको जो है ब्लेंड कर लिया। और आप लोग को पता है कि ब्लेंडिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी पूरे मेकअप में, लाइक फाउंडेशन हो, चाहे आई शेडो हो, किसी भी में, मतलब किसी भी मेकअप में आपको ब्लेंडिंग बहुत अच्छे से करनी है। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिया है स्विस ब्यूटी का लिक्विड ग्लिटर, और ये अमेजिंग ग्लिटर है गाइस। अगर आपने अभी तक नहीं लिया है तो मैं ये नहीं कहती कि आप सारे शेड लीजिए, आप एक शेड लीजिए, आपका काम बन जाएगा। और इसके ऊपर मैंने इसे अप्लाई कर लिया है, ये पिंक शेड पे है, बट मैंने इसे ब्राउन के ऊपर अप्लाई किया, तो वो ब्राउन का टच अंदर से दे रहा है। उसके बाद मैंने यहाँ पे फिर से डार्क ब्राउन शेड लिया है, और अपने आउटर कॉर्नर पे इसे मैंने प्लेस कर दिया है, मतलब कि वी की तरह बना के, हल्का सा बना के इसको ब्लेंड कर दें, ताकि जो मेरी आईज़ है थोड़ा सा स्मोकी इफेक्ट दें। उसके बाद मैंने बोला ना ब्लेंडिंग, फिर से ब्लेंडिंग ब्लेंडिंग ब्लेंडिंग, और गला यहाँ पे ज़्यादा ख़राब हो गया यार। मैंने लाइनर यहाँ पे यूज़ किया है लैक्मी का इंस्टा लाइनर, क्योंकि मेरा फेवरेट है, NYBA का भी मेरा फेवरेट है, ये भी फेवरेट है। NYBA का मेरा समाप्त हो चुका है, इसलिए मैं अभी इसको यूज़ कर रही हूँ। 99 रुपीज़ समथिंग का मिलता है, और बहुत ही अच्छा इसकी परफॉर्मेंस है। मैंने यहाँ पे लैशेज यूज़ किया है, पैक के लैशेज है M75, और ग्लू मैंने यहाँ पे यूज़ किया है DUO का ग्लू, जो कि आपको नायका वगैरह पे मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ मेरी फॉल्स आई लैशेज अप्लाई हो चुकी है, और अब मैं आती हूँ अपने मेकअप पे, फेस मेकअप पे। तो मैंने यहाँ पे सीरम लिया है विट सिट्रस का, और ये प्योर 20% विटामिन सी के साथ है, एज डिफाइन सीरम है, ये आपकी एज को डिफाइन करे, मतलब कि अरे यार एंगर वेंगर बनाएगा। और काफ़ी अच्छा है, 2 से 3 ड्रॉप आप इसे अप्लाई करिए, और ट्रस्ट मी गाइस, ये बहुत ही अच्छा है, क्योंकि जब आप इसे यूज़ करोगे तो इंस्टेंट आपको लगेगा कि हाँ आपने फेस पे कुछ अप्लाई किया है, ग्लोई सा लुक लगेगा आपको। देन मैंने यहाँ पे लिया है डर्मडॉक की ये फेस क्रीम, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि बहुत अच्छा मॉइस्चराइज करती है, मतलब आप फेस वॉश करने के बाद इसे अप्लाई कर लो, विंटर में तो आपको लगाना ही चाहिए इसे, और बहुत ही स्मूथ स्किन कर देता है। स्टेक वार्की की मैंने यहाँ पे यूज़ किया है प्राइमर, क्योंकि ये सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर है, ऑयली स्किन वालों के लिए काफ़ी अच्छा है, बहुत ही मतलब कि अफोर्डेबल के साथ परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा देता है ये। मैंने यहाँ पे जो है ओलिविया का पैन केक लिया था, उसमें थोड़ा सा मैंने पाउडर निकाल लिया। अब ओलिविया की स्टिक ले रही हूँ, और स्टिक का शेड आई थिंक 01 है। सारे प्रोडक्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, विथ शेड विथ प्राइस।
और मैं इसमें मिलाऊंगी फेशियल ऑयल। मैंने यहाँ पे फेशियल ऑयल जो है यूज़ किया था गुड वाइब का, और इसलिए इसको मिक्स कर रही ताकि ड्राई ना लगे। और जब आप इन तीनों का कॉम्बिनेशन बनाओगे, गजब यार, जो मतलब इसकी फिनिशिंग आती है, जो इसका कवरेज आता है, बड़े बड़े फाउंडेशन फेल है इसके आगे अगर आप इस मैथड से ओलिविया पैन केक पैन स्टिक को लगाते हो। और आप देख सकते हैं कि क्या कवरेज दे रहा है, ये बहुत ही अच्छा कवरेज दे रहा है। और थोड़ा सा मेरे जो हेयर्स हैं बहुत कर रहे हैं मुझे, और क्योंकि मेरा हेयर बैंड नहीं मिल रहा था। उसके बाद आप देख सकते हो कितना अच्छा कवरेज दिया है इस फाउंडेशन और पैनकेक ने। और आप देख सकते हो कि अभी मैं इसको डैम स्पंज के हम से सेट कर रही हूँ, क्योंकि ब्रश से स्प्रेड किया था, इससे ही सेट करूँगी। और इसका जो मेरा ये स्पंज मैंने कफ एंड लैशेस से लिया था, और इस तरीके से मैंने देखिए सेट कर लिया अपने बेस को। काफ़ी फ्लॉलेस बेस लग रहा है मेरा। और अभी कंसीलर के लिए, मतलब मुझे बहुत ज़्यादा नीड नहीं है यहाँ पे कंसीलर की, बट थोड़ा सा हाईलाइट करना है मुझे अपने अंडर आइज़ वगैरह को, तो मैंने फिर से एनमाइबे कर लिया है। और काफ़ी अच्छा कंसीलर लगा मुझे गाइस ये, आप एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। अफोर्डेबल भी है और कवरेज भी अच्छा खासा देता है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे देखिए अप्लाई कर लिया है, और अब भी मैं इसको सेट करूँगी मोरा के कॉम्पैक्ट से। और ये कॉम्पैक्ट भी मुझे काफ़ी पसंद है, लाइट वेट है, बहुत ही अच्छा मतलब कवरेज भी देता है लाइट वेट के साथ, तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे। उसके बाद आते हैं आई मेकअप पे फिर से, क्योंकि मुझे आई मेकअप पहले फिनिश करना है। मैंने यहाँ पे लिया मेकअप रेवोल्यूशन का आई पोमेड, और मेकअप रेवोल्यूशन का यही एक ऐसा प्रोडक्ट है जो मुझे जो है परेशान कर दिया, मतलब कि सूख गया मेरा, बट तभी काम चल जाता है मेरा। उसके बाद सेम पैलेट के से ऑरेंज शेड लेंगे, लाइक रेडिश ऑरेंज जो मिक्स होता है ऐसा कुछ शेड है, बट आप यहाँ पे ऑरेंज भी ले सकते हो। लोअर लैश लाइन पे इस तरीके से अप्लाई कर लिया, और हल्का सा ब्लेंड करेंगे ताकि थोड़ा सा स्मोकी सा लुक मिल जाए। उसके बाद मैंने यहाँ पे ग्लिटर ग्लू लिया है, बट आपके पास अगर ग्लिटर ग्लू नहीं है देन आप कोई भी मॉइस्चराइजिंग क्रीम ले सकते हो, देन ग्लिटर अप्लाई करेंगे तो आपका अच्छे से ग्लिटर फिक्स हो जाएगा। और मैंने यहाँ पे 10 रुपीज़ वाला जो ग्लिटर आता है गोल्डन ग्लिटर, वही मैंने यूज़ किया है। वो इसलिए क्योंकि मुझे आई लुक जो नीचे का मतलब लोअर लैश लाइन का जो आई लुक है वो मुझे थोड़ा सा गोल्डन स्पार्कली टाइप का चाहिए था। उसके बाद मैंने यहाँ पे मस्कारा यूज़ किया है लैक्मे आइकॉनिक का, काफ़ी अच्छा मस्कारा होता है आपको पता ही है, और वाटरप्रूफ तो मैं नहीं कहूँगी, बट हाँ परफॉर्मेंस इनकी बहुत ज़्यादा अच्छी है। लिप क्रॉन मैंने यहाँ पे पर्पल का अप्लाई किया वाटर लाइन पे, क्योंकि मुझे आई लुक थोड़ा सा वाटर लाइन पे न्यूड सी चाहिए थी। उसके बाद मैं यहाँ पे कॉन्ट्रोलिंग के लिए मैंने यहाँ पे यूज़ किया एनवाइपर का कंसीलर, और जो मेरा शेड है वो है 14, क्योंकि ये डार्क शेड है तो मैं इसे एज अ कॉन्ट्रोल यूज़ करूँगी। और आपको पता है कि एनवाइपर के प्रोडक्ट मुझे कितने पसंद है, लाइक जो है कॉन्ट्रोलिंग के लिए तो मुझे सबसे ज़्यादा एनवाइपर का ही अच्छा लगता है। तो मैंने यहाँ पर अपनी नोज़ और सबको जो है कॉन्ट्रोल करके ब्लेंड कर लिया है, और आपको पता है कॉन्ट्रोलिंग ज़रूर करनी चाहिए, जिनकी मेरी तरह नोज़ है, थोड़ा सा फैटी फेस है मेरा, तो इस वजह से ठीक है, आगे समझ जाइए आप लोग, ओके। उसके बाद मैंने यहाँ पे एनवाईबे का आई शेडो लिया था, और ये मैं एज अ ब्लश यूज़ कर रही हूँ। काफ़ी अच्छा यार, 100 रुपीज़ समथिंग का मिलता है ये, 110 का मिल जाएगा आई थिंक, मैंने देखा था। तो उसके बाद ये बहुत ही अच्छा पिगमेंट देता है, तो आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। तो अब आते हैं हाइलाइटर पे। हाइलाइटर के लिए मैंने यहाँ पे लिया है शुगर का हाइलाइटर, अफोर्डेबल भी है, काफ़ी अच्छा है, इसके पार्टिकल्स बहुत ही चंकी टाइप के नहीं है, बहुत ही नेचुरल ग्लो देता है ये। और ये जो मेरी टी शर्ट है इस पर आप जो फाउंडेशन वगैरह देख रहे हैं वो आप भी लगाएं तो प्लीज़ इग्नोर, ओके। लिप क्रॉन मैंने लिया पर्पल की, और इनकी लिप क्रॉन की मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ गाइस, इतनी अमेजिंग शेड्स हैं इनके, पिगमेंटेशन बहुत ही अच्छी है, मैट फिनिश है, और मैं क्या तारीफ करूँ, लाइक एक ही स्ट्रोक में ये बहुत ही अच्छा सा लग जाता है। उसके बाद मैंने इसके ऊपर अप्लाई किया मैबलिन कलर सेंसेशनल की लिपस्टिक, मेरा शेड है 627 आई थिंक, आप लिंक पर ज़रूर जाके चेक कर लीजिएगा। मेकअप सेटिंग्स पर मैंने यहाँ पे यूज़ किया स्विस ब्यूटी का, और इसको सेट कर लूँगी।
सो गाइज, ये मेरा फाइनल लुक और लाइट जा चुकी थी। तो ये इन्वर्टर की सिर्फ लाइट थी, तो आप लोग इससे काम चला लीजिए। मुझे ये लुक बहुत पसंद आया, मुझे मेरी स्टाइल बहुत अच्छी लगती है, और जो कि मैं कभी वीडियो में दिखाई नहीं हूँ आप लोग से। तो आई होप कि आप लोग को अच्छा लगा हो। अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।